वहां पर वो सीख रहे थे। देखिए फील्ड कितनी दूर है यहाँ से, और वो एक्सीडेंट यहां पर आकर किया है। हमें भी अफसोस हुआ इस बात को लेकर के कि आखिर उस शख्स जिनका यहाँ पर इस हादसे में मौत हुई है, किस तरह का तकदीर लेकर के वो दुनिया में आए होंगे। कि देखिए गाड़ी सीखने की जगह वहाँ पर है, गाड़ी वहाँ सीख रहे थे लोग, और वो उस जगह पे यहाँ पर आकर के उसने एक्सीडेंट कर दिया, जबकि एक रूट नहीं है। अगर जाने का भी किसी को होता तो साइड से निकलता, लेकिन वो वहाँ पर बैठे हुए थे। ये देखिए आप इसके इस पेड़ को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी क्या स्थिति है। गाड़ी सीधे इसमें आके टकरा गई, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो गाड़ी के चपेट में आ गया, उसके जद में आ गया, और वहीं पर वो मर गया। जांच का विषय होगा कि उस वक्त में जब वो हादसा हुआ तो वो जानबूझकर हादसा किया गया था, क्या पहले से कोई दुश्मनी रही थी इस व्यक्ति के साथ, क्या ड्राइवर के पास लाइसेंस, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो था, या फिर वजह क्या थी इस हादसे की, यह जांच का विषय है। आप देख रहे हैं VR News, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार, भतनी ओपी क्षेत्र में एक हादसा हुआ है। हादसा इतना बड़ा था कि उसके जद में जो लोग आए हैं वो घटनास्थल पर ही चले गए, उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। लेकिन हादसा तो होते रहते हैं, लेकिन ऐसा हादसा आपने ज़िंदगी में शायद पहली बार सुन रहे होंगे मेरे द्वारा, इससे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा। सामने देखिए फील्ड कितनी लंबी चौड़ी फील्ड है, और उसके बाद जो हादसा हुआ है वो यहाँ हुआ है। अब जरा अंदाज़ा लगाइए कि जो गाड़ी सीखने के लिए आए हुए थे, जो यहाँ पर ड्राइव कर रहे थे, जिसकी ये गाड़ी है या फिर जिसने इसको चला रहा होगा, वहाँ पर वो सीख रहे थे। देखिए फील्ड कितनी दूर है यहाँ से, और वो एक्सीडेंट यहाँ पर आकर किया है। हमें भी अफसोस हुआ इस बात को लेकर के कि आखिर उस शख्स जिनका यहाँ पर इस हादसे में मौत हुई है, किस तरह का तकदीर लेकर के वो दुनिया में आए होंगे। कि देखिए गाड़ी सीखने की जगह वहाँ पर है, गाड़ी वहाँ सीख रहे थे लोग, और वो उस जगह पे यहाँ पर आकर के उसने एक्सीडेंट कर दिया, जबकि एक रूट नहीं है। अगर जाने का भी किसी को होता तो साइड से निकलता, लेकिन वो वहाँ पर बैठे हुए थे। ये देखिए आप इसके इस पेड़ को देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसकी क्या स्थिति है। गाड़ी सीधे इसमें आके टकरा गई, और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो गाड़ी के चपेट में आ गया, उसके जद में आ गया, और वहीं पर वो मर गए। ये देखिए अब आपको दिखाते हैं गाड़ी की स्थिति। ये है नई गाड़ी। अगर गाड़ी ऑनर की बात करें तो हफ्ता दो हफ्ता पहले ही गाड़ी ये शोरूम से निकाल करके लाए थे, और इसकी स्थिति को देखिए कि किस तरह से एक्सीडेंट की होगी गाड़ी ने वहाँ पर, और जो ड्राइव कर रहा होगा वो किस तरह के सोच के लोग होंगे, और या फिर क्या वो सीख रहे होंगे, कैसे वहाँ से यहाँ पर उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया। अमूमन गाड़ी के अंदर एयर बैग होता है, उसकी देखिए हालत क्या है। इससे अंदाज़ा यह लगाया जा सकता है कि गाड़ी कम से कम 80 या फिर 70 प्लस ही होगी, 70 प्लस स्पीड में होगी, और यही वजह है कि गाड़ी वहाँ सीधे वहाँ से भाग करके आई, और यहाँ पर लोग बैठे हुए थे इस पेड़ के नीचे में, उसको जाकर के कुचल दी। हम यहाँ पर कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से बातें करेंगे, और आपको हम दिखाएंगे कि आखिर उस वक्त में जब यहाँ पर हादसा हुआ था तो यहाँ पर कुछ लोग भी थे, उनका क्या कहना है, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो हमारे साथ यहाँ पर आइए, आप आइए। आपके कौन थे ये? ससुर। आपके ससुर थे? हाँ। तो जब एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पर, तो उस वक्त में आपके ससुर क्या कर रहे थे? ससुर बैठा हुआ यहाँ पर, बैठे हुए थे। या हम डॉक्टर लग जा रहे हैं ना, तो ये सबके कहलिए ना, जे तू दादा लग रहा यहीं, एक बाबू छे
एकटा और रहे, तीन टा रहे थे। तो कहलिए दादा लग रह तू हमें बाबू के दवाई दवाई के अबे। तो हमारे ससुर कल के जो बउआ के दवाई दवाई किया से जल्दी आ से हमें बाबू कुल के देख आई। तो ये गाछ लग बैठ के बाबू के देखे रहे देखे रहे। तो हम अपन गलिए दवाई देवे ला तो हमें वो चौवालीस में घूमे रहे गाड़ी। तो हम तो नहीं सोचलिए जो आब के दाबि देते। तो जब छिपल के थी बच्चा सब भागे लगल आ एकटा दादा के अथुल में सटल रहे तकरो चोट लगल। अच्छा, मतलब उस वक्त में जो ड्राइवर थे इसके अंदर वहाँ पर वो सीख रहे थे गाड़ी। हाँ, है ना दूर का। हाँ, और फिर वहाँ से गाय के आए भागते हुए यहाँ पर उसको ठोक दिया। हाँ, उस वक्त में आपके ससुर जी यहाँ पर बैठे हुए थे ना। हाँ, बच्चे बच्चे भी थे उस वक्त। हाँ, बजे के सत्रह से। हाँ, तो बच्चा सब भाग गया ना बच्चों छुपा गया। क्या नाम आपके ससुर का? देवन सिंह। देवन सिंह है। हाँ, जिन्होंने ये हादसा किया है उनका नाम क्या था? भाई का जो जो हादसा किया जिसने चीपा है अगर के, क्या नाम था? ओकर गाड़ी वाला के नाम, गाड़ी वाला के नाम जाने छे लेकिन गाड़ी वाला के नाम जाने लेकिन क्या क्या नाम था उनका? गाड़ी वाला का नाम क्या है? परमा डॉक्टर अमोद। दोनों भाई दोनों मिल के गाड़ी लेके ये सब रिपोर्ट। तो अभी आपने सुना ये जो व्यक्ति इस हादसे का शिकार हुआ है उसी व्यक्ति की ये बहू थी और इन्होंने ने अपनी बातें रखी यहाँ पर इसी जगह पर। वो व्यक्ति बैठे हुए थे साथ में उनके दो पोते पोतियाँ थी सभी यहाँ बैठे हुए थे और वो इधर से गाड़ी दौड़ाते हुए आए और फिर यहाँ पर इस व्यक्ति को ठोक दिए। गाड़ी इतनी तेज़ में थी इतनी ज़्यादा रफ्तार में थी कि यहाँ बैठे व्यक्ति को ज़रा सा भी एहसास नहीं था कि गाड़ी हमारी तरफ ही आएगी और उनको मौका भी नहीं मिला भागने का। आप सोचिए कि उस वक्त का नज़ारा क्या रहा होगा, कितनी भयावह तस्वीर रही होगी जब हादसा एकदम उस फील्ड से होकर के गाड़ी यहाँ पर आकर के उसको ठोक जाती है। आप यह भी कह सकते थे कि गाड़ी कहीं और भी निकल सकती थी, उधर भी कैसे रास्ते हैं इधर भी, लेकिन फिर वो सीखने के क्रम में हुआ है। वो सीखने वाला व्यक्ति नया नया था, लव सिखा था, नया सीख नई नई गाड़ी ली है सीखने को यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ बैठे हुए व्यक्ति उसको ठोक दिया। अब जांच का विषय होगा कि उस वक्त में जब वो हादसा हुआ तो वो जानबूझकर हादसा किया गया था, क्या पहले से कोई दुश्मनी रही थी इस व्यक्ति के साथ, क्या ड्राइवर के पास लाइसेंस जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो था, या फिर वजह क्या थी इस हादसे की, यह जांच का विषय है। भतनी ओपी अध्यक्ष से मेरी बात हुई तो उनका मानना है कि सबसे पहले हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधेपुरा भेजेंगे, उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा हम वो करेंगे। अब इसके बाद अब क्या होता है, बातें क्या सब सामने निकल के आती है, आपको हम एक बार फिर से अपडेट लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।